लोकवाणी आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। लोकवाणी की सातवीं कड़ी के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आकाशवाणी के रायपुर स्टूडियो में पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जम्मू सुनैया संगवारी मल्ला, जय जोहार, नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि आप मन के संग ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊं, जिमा मोर बचपन और जवानी जम्मू बेरा के सुरता हो जाए, जो उम्र के अंतराल आगे है वह दूर हो जाए और महू आप मन के संसों में अपन ला शामिल करके आप मन के रद्दल आसान कर सकूं। ते पाए के कहता हूँ कि आज मोला दिल खोल के आप मन संग बात करे के मौका मिले है और आज के लोकवाणी खास बन गए है। आज के लोकवाणी में मोला बेटा बेटी और जवनहा संगवारी मन संग गोड़ बात करे मां अब्बड़ मजा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने लोकवाणी की इस कड़ी में सिर्फ बच्चों, युवाओं और अपने भविष्य के सपने देखने वाले साथियों को संबोधित करने का जो निर्णय लिया है उसका बहुत जोशीला स्वागत हमारे श्रोताओं ने किया है। वार्षिक परीक्षा नजदीक है, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल परीक्षा के समय होने वाले डर और तनाव को लेकर आए हैं। सूरजपुर से आंचल यादव, सुकमा से ज्योति, इशिका यादव, अभय कुमार, राजनांदगांव से अनुराग सिंह, अंबिकापुर से कृष्णा खांडेकर, कोंडागांव से सुखन बैज, गायत्री देवांगन, रायगढ़ से सागर सेन और कृति पटेल, कोटा से सामना तिवारी, जशपुर से तोरण कुमार भगत और सुमित लकड़ा और छुरी कला से नागेश्वर सिंह मरावी सहित कई श्रोताओं ने इस बारे में कहा है। आइए सुनते हैं कुछ सवाल। मेरा नाम नेहा यादव है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विकासखंड सूरजपुर जिला सूरजपुर की छात्रा हूँ। मेरे जिले में जिला प्रशासन की एक महत्वाकांक्षी योजना सक्षम सूरजपुर के तहत ई लाइब्रेरी की व्यवस्था किए जाकर 45,000 पुस्तकें संधारित कर 17,000 सदस्य जोड़े गए हैं। जिले के सुदूरवर्ती विद्यालयों को भी ऑनलाइन पुस्तकें देने की व्यवस्था की गई है, जिसे हम सभी विद्यार्थियों को परीक्षा उपयोगी पुस्तकें अपने विद्यालय में उपलब्ध हो रहा है। परीक्षा प्रबंधन के विषय में मेरा सुझाव सब प्रश्न यह है कि परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों के द्वारा तनाव महसूस किया जाता है, जिसे उनके द्वारा याद किए प्रश्नों के उत्तर भी विस्मित होने लगते हैं तथा परीक्षा परिणाम पर इसका बुरा प्रभाव दिखता है। अतः क्या परीक्षा दिवस को परीक्षा पूर्व सभी परीक्षा केंद्रों में लगभग 5 से 10 मिनट मेडिटेशन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना संभव होगा ताकि परीक्षार्थी तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सके। मेरा नाम साहिल खजूर है। मैं शासकीय अक्षर शक्तिकर माध्यमिक विद्यालय में कल से 11वीं पढ़ता हूँ। जब एक विषय की परीक्षा में कुछ सवाल हल करने में त्रुटि हो जाती है तो हमें तनाव करता है, जिससे अगले विषय की परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हो जाती है। महोदय, इस स्थिति से आप भी कभी गुजरे होंगे, तब आपने स्वयं को इस परिस्थिति से कैसे उतारा, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मेरा नाम आंचल यादव है। मैं जिला सूरजपुर से बात कर रही हूँ। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलसिली जिला सूरजपुर की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगी कि हमारे जिले में सक्षम सूरजपुर योजना के अंतर्गत ई लाइब्रेरी प्रारंभ किया गया है, जिसमें 45,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं एवं 17,000 सदस्य जुड़े हैं। इन पुस्तकों को हम दूरस्थ क्षेत्र के छात्र छात्रा को ऑनलाइन पुस्तक उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमें अपने विषय के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं तथा हम इसका लाभ उठाते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यह भी जानना चाहूंगी कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, जिससे मुझे ही नहीं अपितु अधिकांश छात्र छात्राओं को भय एवं तनाव होता है। भय व तनाव मुक्त होकर हम अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें ताकि हम उच्चतम अंक प्राप्त कर सके, इस पर हमें मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। मेरा नाम सुमित लकड़ा है। मैं शासकीय आदर्श उत्तर माध्यमिक विद्यालय जसपुर नगर कक्षा
ग्यारहवीं का छात्र हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, जब मैं क्लास स्टडी करता हूँ तो बिल्कुल तनाव नहीं होता है, यहाँ तक कि टेस्ट परीक्षा तिमाही छमाही में भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वार्षिक परीक्षा नजदीक पहुँचने लगती है डर और तनाव होने लगता है और परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो जाती है। महोदय, इस परिस्थिति का मैं किस तरह सामना करूं, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मेरे प्यारे बच्चों और युवा साथियों, सबसे पहले तो इस डर के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। जब तक आप डर के बारे में सोच सोच कर डरते रहेंगे, तब तक मन से डर को बाहर निकाल फेंकने का प्रयास शुरू ही नहीं कर पाएंगे। सवाल सिर्फ पढ़ाई के डर का नहीं है, बल्कि स्वभाव का है कि आप हिम्मत वाले, साहसी, निडर कहलाना चाहते हैं या डरपोक। निश्चित तौर पर आप सब साहसी कहलाना पसंद करेंगे। तो सवाल उठता है, आप सिर्फ परीक्षा को लेकर क्यों डरेंगे? मुझे लगता है तैयारी में किसी न किसी कारण से कोई कमी ही डर का कारण बनती है। और दूसरा बड़ा कारण है कि आपने जितनी मेहनत की है उससे अधिक की अपेक्षा रखने पर डर लगता है। बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी अगर डर लगता है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी है। इस तरह डर दूर करने के लिए अपने स्वभाव में बदलाव भी जरूरी होता है। तथ्य और तर्क के साथ विचार करने की आदत डालना जरूरी है। किसी ने ठीक कहा है, जो रखते हैं उड़ने का शौक, उन्हें नहीं होता है गिरने का खौफ। मेरा आप लोगों को सुझाव है कि परीक्षा के समय बिल्कुल 20-20 मैच के प्लेयर की तरह व्यवहार कीजिए। जो समय बीत गया उसके बारे में मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए अभी जो समय आपके हाथ में है उसका पूरा सदुपयोग कैसे करेंगे। बच्चों, इस समय खाना पीना सादा रखें, हल्का व्यायाम करें, मोबाइल टीवी आदि से दूर रहें, जिससे आंखों को आराम मिले और दिमाग भी शांत रहे। पूरी पढ़ाई का बोझ एक साथ लेकर न बैठें, टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। जब जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हों तब सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करें, इधर उधर की चिंता न करें। इससे आपकी एक एक विषय की तैयारी पूरी होती जाएगी। इसके अलावा अपने रुचि के अनुसार कोई न कोई काम करते रहें। दिन में 5-7 मिनट कोई गाना गुनगुना लें, कोई प्रार्थना कर लें, थोड़ा उछल कूद घर पर ही कर लें। ऐसे तमाम उपाय हैं जो आपका डर दूर कर सकते हैं। और आखिरी बात है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। साहिल रिजी ने पूछा है कि मैं इन परिस्थितियों से कैसे निकला। तो भाई सच बताता हूँ, मुझे फेल होने का डर तो कभी नहीं सताया। और हाँ, मैं हमेशा इस बात पर विश्वास करता हूँ कि मेहनत पूरी करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। आंचल यादव ने पूछा है कि उच्चतम अंक कैसे प्राप्त करें। तो बेटा, मैं कहना चाहता हूँ कि अपना प्रयास पूरा करो, अधिक अंक मिले तो अच्छा और ना मिले तो अच्छा, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बिना उच्चतम अंक पाए लाखों करोड़ों लोग अपने बेहतर कार्यों के दम पर शिखर पर पहुंचे हैं। नेहा बीतिया का मेडिटेशन का आइडिया तो हिट है, परीक्षा हाल में इसे कैसे कराया जाए इसके बारे में मैं विचार जरूर करूंगा। मुकेश साहू जिंदाबाद, आपने कहा कि मजदूर के बेटे हो। बेटा, इसमें कोई शक नहीं कि आपको कम सुविधाओं के कारण कठिनाई होती होगी। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, तुम अपने माता पिता की बात मानकर पढ़ाई करते रहो, एक दिन खुद अपने आप को साबित करके दिखा दोगे कि मुकेश साहू कौन है। डरो मत, जिंदगी से लड़ो और जीतो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने विगत एक वर्ष में प्रदेश में जो विश्वास का वातावरण बनाया है उसका एक शानदार पहलू देखिए कि बीजापुर से वंदना शर्मा सहित बहुत से बच्चों को आपसे बहुत उम्मीद है। उन्होंने ये अपेक्षा की है कि आप पालकों को भी संबोधित करें ताकि वे बच्चों का तनाव कम करने में मदद करें। आइए सुनते हैं कुछ विचार। मैं कुमारी तनु साहू, कक्षा 12वीं शासकीय
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंहभेड़ी विकास खंड अम्बागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव की छात्र हूँ। परीक्षा के दिनों में पालकों द्वारा हमें तैयारी के लिए पर्याप्त समय न देकर रोजमर्रा के कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। आप पालकों से अपील करें ताकि हमें पढ़ने का पर्याप्त समय मिल सके। हेलो, मैं मानसी वर्मा हूँ, क्लास 9 से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हदबन स्कूल से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है, परीक्षा के समय माँ बाप बच्चों पर ज्यादा दबाव क्यों डालते हैं? सर, मैं सुरेंद्र पैकराज शासकीय नवीन मैट्रिक बालक छात्र संबिकापुर से बोल रहा हूँ। सर, मेरा यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान माता पिता अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं और कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें, और जब बच्चे 80 से 90 अंक प्राप्त कर देते हैं तो वो बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं। क्या ये सही है? इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं सभी पालकों से अपील करता हूँ, परीक्षा के समय बच्चों को आत्मीयता और सहयोग की अधिक जरूरत होती है। ऐसे वक्त में बच्चों को अनावश्यक तनाव से बचाना जरूरी है। अपना काम बच्चों को बताने के बजाय बच्चों के कार्यों में हाथ बटाने का प्रयास करें, ताकि बच्चों को आपका सहयोग प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में तो प्यार, सहानुभूति और सहयोग की भावना सब कुछ है, लेकिन आपका यह भाव बच्चों तक नहीं पहुँच पाता। मैं तो कहूंगा कि बच्चों का कोई असाइनमेंट, प्रैक्टिकल कॉपी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, कंपास बॉक्स, पेन, जो कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाना है, वैसी चीजों के बारे में भी पालकों को सहयोग देना चाहिए। ऐसा छोटा सहयोग भी बच्चों का मनोबल बढ़ाता है। अक्सर ऐसा होता है कि एन वक्त पर बालक उलाहना देने लगते हैं कि फला काम समय पर क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं सोचा, पहले क्यों नहीं बताया, आदि आदि। ऐसी बातों से आपस में ही टकराव होता है और बच्चों का तनाव बढ़ता है। इसलिए मैं पालकों से अपील करता हूं कि परीक्षा के वक्त पुरानी सभी बातें भूलकर सिर्फ यह देखें कि बच्चों को राहत कैसे मिलेगी और मदद करें। किसी भी तरह से अपनी अपेक्षा न लादें जो बच्चों को प्रेशर की तरह लगे। यह ध्यान रखें, परीक्षा के समय अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से न करें, सिर्फ अपने बच्चे का उत्साह बढ़ाने में ध्यान दें, क्योंकि हर घर परिवार की परिस्थितियों में बच्चों की परवरिश में कुछ न कुछ अंतर रहता है। यदि अपना बच्चा कुछ अलग तरह से चीजों को समझता है तो उसको अपना स्पेस मिलना चाहिए। साथ ही घर का वातावरण ऐसा रहे कि बच्चा शांति से मन को एकाग्र कर सके। सुरेंद्र पैकरा, आपने सही प्रश्न किया है। मैं पालकों से कहूंगा कि बच्चों को सिर्फ अच्छे से पढ़ने और सफल होने के बारे में प्रेरित करें। अव्वल मेरिट जैसे मापदंड थोप देने से निश्चय ही तनाव बढ़ता है। बच्चों पर यह विश्वास करना चाहिए कि वे खुद भी तो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें अपना काम करने दें और जो नतीजा आए उसे स्वीकार करें। जो भी नसीहत देना है वह आगामी सत्र के शुरू होते समय दें और साल भर यह ध्यान दें कि बच्चा किस प्रकार अच्छा काम कर सकता है। इन परीक्षा और परिणाम के समय कोई दबाव बनाना अच्छा नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब एक पालक का भी सवाल लेते हैं। मैं कुलचंद केसरवानी सीता बिलासपुर से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न था सर कि मेरे लड़के का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और पर स्कूल नहीं जा रहा है सर, तो क्या ऐसे उपाय बताए जिससे उसके मन लगे और अच्छे अंकों से पास हो। केसरवानी जी, मुझे लगता है कि ऐसा सवाल कई लोगों के मन में होगा, लेकिन आपने साहस के साथ यह बात पूछी है इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मुझे लगता है पालक होने के नाते आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चे की रुचि अगर पढ़ाई में नहीं है तो किस बात में है। शांत दिमाग से बच्चे के मन को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। हमें बच्चों की रुचि का सम्मान करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस बच्चे का करियर उसके किस प्रतिभा से बन जाएगा यह आसानी से पता नहीं चलता। इसे अवसर देकर उभारना पड़ता है, संवारना पड़ता है। मेरी सलाह यह होगी, यदि बच्चे की रुचि पढ़ाई में अधिक नहीं है तो उसे प्यार से समझाने की जरूरत है कि आपके ऊपर मेरिट में आने, बहुत ज्यादा नंबर पाने का दबाव नहीं है।
जहाँ तक स्कूल न जाने का सवाल है तो पालक को स्कूल में जाकर यह समझना चाहिए कि बच्चे की कोई निजी समस्या तो नहीं है, स्कूल के वातावरण में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसका असर हो रहा हो। स्कूल में रोचकता का वातावरण बनाने के दिशा में आप शाला प्रबंधन या समिति से चर्चा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले माह छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी तारीफ बहुत दूर दूर तक हुई। इस संबंध में भी हमारे बहुत से युवा साथी बात करना चाहते हैं। उनमें से एक विचार यहाँ लेते हैं, आपसे निवेदन है कि उसे सुनकर फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। मेरा नाम खुशबू नाग है। मैं शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर की 12वीं गणित संकाय की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि युवा महोत्सव युवाओं के सपनों को साकार करने का एक मंच है जहाँ प्रतिभाएं निखरती है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस महोत्सव का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? क्या सभी वर्गों के युवा इस महोत्सव से लाभान्वित हो पाते हैं और किस तरह से युवा महोत्सव करियर चुनने में सहायक सिद्ध हो सकता है? खुशबू, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपके साथ बहुत से युवाओं ने ऐसे सवाल पूछे हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए रायपुर आ पाई थी कि नहीं, लेकिन कहीं न कहीं आपने इसके बारे में सुना जाना होगा, तभी यह प्रश्न कर रही हैं। परीक्षा के तनाव के सवालों के बीच यह सवाल आना वैसे ही ताजा हवा के झोंकों की तरह लग रहा है। हमें दो बातें स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। पहली यह कि हर किसी की जिंदगी में शिक्षा से बड़ा परिवर्तन आता है, इसलिए एक निश्चित स्तर तक ही पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। शिक्षा से कैरियर के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है और वह अच्छा काम करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है तथा कुछ अलग कैरियर बनाना चाहता है, तो उसके सवालों का जवाब युवा महोत्सव जैसे आयोजन से मिलता है, जहाँ बच्चे अपनी अभिरुचियों के बारे में खुलकर बात कर सकें, अपनी हावी को किस स्तर तक ले जा सकते हैं यह समझ सकें। यदि किसी बच्चे को अपनी संस्कृति, संस्कार, गांव, कस्बे में अपने परिवेश से कोई ऐसा हुनर मिल जाता है जो व्यक्तित्व और संभावनाओं को जोड़ दे, तो ऐसे हुनर को लेकर भी आप कोई ऐसा रोजगार, कारोबार, कलाकारी के बारे में सोच सकते हैं और यश तथा सफलता अर्जित कर सकते हैं। युवा उत्सव के लिए हमने 3 महीने लंबा समय रखा था, जिससे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक लाखों युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई। प्रतिभाएं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते राज्य स्तर तक आई। राज्य स्तर पर 7,000 लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता में शामिल हुए। मैं प्रदेश की युवा शक्ति को साधुवाद देता हूँ। अनुशासन और गरिमा के साथ आप लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाया। हजारों युवा एक परिसर में एक परिवार की तरह 3 दिन रहे। न जात पात, न धर्म समुदाय, न ऊंच नीच, न अमीर गरीब, किसी तरह का कोई बैर भाव नहीं। इससे छत्तीसगढ़ की तासीर को एक बार फिर से समझने समझाने का मौका मिला। इसके अलावा 37 विधाओं पर प्रतियोगिताएं हुई, ग्रामीण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खेल तक और लोक कला से लेकर शास्त्रीय कलाओं तक को इसमें स्थान मिला। राज्य स्तर पर 821 प्रस्तुतियां हुई। इससे एक सागर मंथन हो गया और पढ़ाई के तनाव से अलग हटकर माहौल बना। युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। आपस में बातचीत करके युवाओं ने यह जाना समझा कि उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनका समाधान कैसे करना है। इस अवसर पर करियर काउंसलिंग की व्यवस्था भी थी, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि अब हर साल युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो प्रतिभाएं युवा महोत्सव से उभर कर आती है वे देश के बड़े बड़े मंचों पर पहुंचे और प्रदेश का नाम रोशन करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा महोत्सव में आपने प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लब की घोषणा की है, इसे लेकर प्रदेश के युवाओं में बहुत उत्साह है। एक सवाल लेते हैं और फिर
आप इस योजना के बारे में विस्तार से बताइएगा। अमन गुप्ता बोल रहा हूँ सर, सरगुजा अंबिकापुर से। ग्रामीण स्तर पे बच्चों को जो गर्ल्स होती है उन्हें क्या कराटे सिखाता हूँ, तो मेरा मुख्यमंत्री जी से ये क्वेश्चन है कि जैसे युवा महोत्सव में राज्य युवा संविधान क्लब के गठन की घोषणा की गई है, तो उस क्लब से हमें क्या मिलेगा? अमन और सभी साथियों, हमने ये तय किया है युवा शक्ति को रचनात्मक और सकारात्मक दिशा देने के लिए गांव गांव में एक मंच उपलब्ध कराएंगे। यह मंच होगा राज्य युवा मितान क्लब। इस मंच के माध्यम से एक ओर जहां हम युवाओं को वैचारिक रूप से भारत के संविधान, भारत की संस्कृति, अपने प्रदेश की अस्मिता, ग्राम सेवा, सामाजिक सरोकार, पढ़े लिखे युवाओं के ग्राम विकास में भागीदारी और अच्छे संस्कार युक्त मनोरंजन के लिए प्रेरित करेंगे। हम ऐसी युवा शक्ति तैयार करना चाहते हैं जो अपनी माटी का सम्मान करे और अपनी माटी का कर्ज चुकाने को तैयार रहे। हर गांव में राज्य युवा मितान क्लब को हम 10,000 रुपये प्रति माह की सहायता देंगे। आप कराटे के एक्सपर्ट हो तो हमारे युवाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ऐसी ही अन्य विधाओं के जानकार भी इस क्लब से जुड़ेंगे तो हमारी यह पहल सार्थक होगी। आप जैसे जागरूक युवाओं का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी से आकर्षित होती है, लगाव रखती है। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट तो जैसे उनके जीवन का अंग बन गया है। लेकिन अब बच्चों की समझदारी देखिए कि वे परीक्षा के समय इससे दूर रहने की भी सोचते हैं। लीजिए सुनिए कुछ लोगों के विचार। मेरा नाम हिमांशु कुमार पटेल है, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक काला मुरू से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मोबाइल से अपना ध्यान कैसे हटाएं और अपना ध्यान पढ़ाई में कैसे लगाएं? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है, अंबिकापुर। माननीय भूपेश बघेल जी से मेरा यह सवाल है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से बच्चों और युवाओं के करियर में बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहे हैं, इस समस्या का निदान कैसे करते हैं? हिमांशु, प्रदीप, मुझे आप लोगों की बातें बहुत अच्छी लगी। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग जब हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं तो उससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, लेकिन यदि इस सुविधा का ज़्यादा उपयोग सिर्फ मनोरंजन में होने लगता है और इससे समय खराब होता है तो दृढ़ निश्चय करके इसके उपयोग पर अंकुश लगाना चाहिए। किसी से तुलना, किसी से बराबरी की बात सोचे बिना अपना रास्ता तय करना चाहिए। एक बार निश्चय कर लोगे तो यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। निश्चित तौर पर परीक्षा के समय यदि जरूरी हो तो ही मोबाइल, इंटरनेट आदि का उपयोग करें अथवा बिल्कुल नहीं करें। अपना पूरा समय पढ़ाई के लिए देना तय करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जशपुर से जग्गू राम, सूरजपुर से कैलाश राम, भाटापारा से रिया यादव, सुकमा से निशा यादव, कोंडागांव से रीना पोटाई, आवापल्ली से पूर्णिमा नाग, राजिम से रानी शर्मा, भैरमगढ़ से धनेश तांडी, बीजापुर से आरती कश्यप सहित अनेक साथियों ने रोजगार के अवसरों के बारे में सवाल पूछे हैं। दोस्तों, पढ़ाई और नौकरी दोनों विषयों पर तनाव के साथ नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे राज्य में बेरोजगारी बड़ी तेजी से घटी है। इसका मतलब रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब से राज्य बना है तब से लेकर हमारी सरकार के आते तक स्थायी नौकरियों का सिस्टम ही बंद कर दिया गया था। हमने बड़े पैमाने पर स्थायी नौकरी के अवसर बनाए हैं, जिसके कारण स्कूल कॉलेजों में ही लगभग 20,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सारे विभागों में ऐसे हजारों अवसर दिए जा रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र के युवा साथियों को बता दूं कि बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में तो न सिर्फ जिला संवर्ग में भर्ती की समय सीमा बढ़ाई बल्कि तीनों संभागों के लिए अलग अलग कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड भी बनाए गए हैं, ताकि हर वर्ग के लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिले। इतना ही नहीं, खेल कूद से लेकर लोक कलाओं तक को युवाओं की प्रतिष्ठा और रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में गंभीर मंथन और प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदेश में पहली बार खेल प्राधिकरण और लोक कला परिषद का गठन जैसे कदम इसी दिशा में उठाए गए हैं। हमने स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई का इंतजाम, संविधान की प्रस्तावना का वाचन और उसके प्रावधानों पर चर्चा जैसे नए कदम भी उठाए हैं, ताकि आपको अपने अधिकारों और अवसरों के बारे में जानकारी मिल सके, आपकी जागरूकता बढ़े, जिसका लाभ जीवन के हर पहलू पर मिले। मैं युवा साथियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई, प्रशिक्षण और रोजगार के विषय पर निर्णय लें, अपना मन मजबूत बनाएं। पढ़ाई करते वक्त यह जरूर सोचें कि आपका लक्ष्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि उसे साबित करना भी है। इसलिए कौशल को, हुनर को साथ लेकर चलिए। यदि सही समय पर सही योजना बनाकर काम करेंगे तो कोई भी आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। श्रोताओं, मैं एक बार फिर ये बताना चाहता हूं कि लोकवाणी के लिए बहुत से सवाल मिले, लेकिन समय सीमा में सभी सवालों को लेना संभव नहीं था, इसलिए कुछ प्रतिनिधि सवालों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार जानने का प्रयास किया गया। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने काफी विस्तार से अपनी बात कही है, जिससे लगभग हर सवाल का जवाब मिल गया है। श्रोताओं, अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 8 मार्च 2020 को होगा। विषय होगा महिलाओं को बराबरी के अवसर। इस विषय पर हमारे श्रोता अपने विचार 26, 27 और 28 फरवरी 2020 के बीच रख सकेंगे। पहले की तरह ही आप दिन में 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर है 0771 के बाद 2430501, 2430502 और 2430503। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी।